कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में बच्चे भले ही अपेक्षाकृत महफूज रहे हों, वायरस के स्वरूप में तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें तीसरी लहर से बचाने की तैयारियों में जुट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी 58 मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में बच्चों के लिए 150 बिस्तरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्लान है सरकार का, क्योंकि तीसरी लहर को देखते हुए भी बच्चों के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है किस तरह से सरकार काम करेगी? अब बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो सरकार दूसरी लहर में ही इस बात का विशेष तैयारी करने लगी कि तीसरी लहर की सुबुकाहट सुनने को मिल गई थी, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज और शासकीय चिकित्सालयों के पदाधिकारियों के साथ तमाम बैठकें की गई, जिसमें सभी अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स वार्ड, पीआईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था करने और स्टाफ को प्रशिक्षित करने की कार्रवाई तेजी से की गई है। और वहीं साथ साथ अभिभावकों को बच्चों के इंफेक्शन होने से बचाने के लिए सबसे पहले 18 साल से लेके और 65 साल की उम्र तक के सभी को वैक्सीनेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कई क्या कहते हैं राज्यों में इसको लेकर विशेष तैयारी चल रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी केजीएमयू में 100 बेड का पीरियडिक वार्ड बन रहा है, इसमें 50 बेड का पीआईसीयू, एनआईसीयू और बाकी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होंगे। एसजीपीजीआई में 50 पीआईसीयू, एनआईसीयू के बेड पीरियडिक वार्ड बन रहे हैं। ऐसे ही आरएमएल में 50 बेड के पीरियडिक वार्ड बन रहे हैं, एरा मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के पीरियडिक वार्ड बन रहे हैं, इंट्रीगल में 50, इस तरह तमाम ऐसे बड़े मेडिकल कॉलेज और बलरामपुर हॉस्पिटल, टीएसएम हॉस्पिटल हैं जिनमें तीसरी वेव को लेकर तैयारी सरकार पूर्णतः कर रही है। जी अभिषेक, क्या लगता है किस तरह से सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है? बिल्कुल सर, आपको बताना चाहेंगे सरकार पूरी तरह से मिशन मोड पर काम कर रही है। इसमें तमाम ऐसे भी अभियान चलाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए पिंक बूथ, और इस माह में 1 जून से लेकर 30 जून तक क्या कहते हैं 1 करोड़ टीकाकरण का अभियान। हाल फिलहाल में खाली उत्तर प्रदेश में आपको बताएंगे करीब लगभग 3.5 करोड़ टीके लग चुके हैं। तो इसको लेकर कहीं भी सरकार की कोई चूक नहीं करनी चाहिए। और रही बच्चों की वैक्सीनेशन की बात, तो इसको लेकर ट्रायल चल रहा है, जल्द से जल्द मेरे ख्याल से नवंबर या नवंबर के पहले हफ्ते तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी आने की उम्मीद मिल जाएगी। जी अभिषेक, 58 मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक बच्चों के लिए 150 बिस्तरों की व्यवस्था के सरकार ने निर्देश दिए हैं, तो क्या लगता है किन सुविधाओं से ये लैस हैं और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको वही बता रहा था कि तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें जैसे केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, आरएमएल हो गया, एरा हो गया, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज का टीएस हो गया, बलरामपुर हॉस्पिटल, लोक बंधु, ऐसे तमाम हॉस्पिटल प्रदेश में और भी हैं। ये लखनऊ के हॉस्पिटल में आपको बता रहा था जहाँ पे पीरियडिक वार्ड बनाए जा रहे हैं, पीएसआईयू, एनआईसीयू, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है जो बच्चों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराना, 25 ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे, इस तरह से तमाम तैयारियां सरकार कर रही है कि तीसरी वेव में किसी तरह की कोई चूक न होने पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।